बस मैं शॉर्ट में बोलूँ तो जर्मनी में कूड़ा कैसे फेंके वो बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और मैंने सोचा आज बाहर चल के वीडियो बनाती हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सो इसी व्यू के लिए मैंने सोचा कि आज बाहर चल के वीडियो बनाऊँगी। तो अभी इस वीडियो का टॉपिक मैंने डिसाइड नहीं किया है, बस मैं शॉर्ट में बोलूँ तो जर्मनी में कूड़ा कैसे फेंके वो बताने वाली हूँ। तो एक्चुअल में मेरे घर में मैं 6 से 7 तरीक़ों में कूड़ा सेग्रीगेट करती हूँ फेंकने के लिए, क्योंकि एक बार गलती से मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था तो मैंने इतने सारे पॉलीथीन नहीं बनाए थे बैग्स, क्योंकि हाँ मतलब स्टार्टिंग में आपको पता नहीं रहता है। सो अगर आप मेरे से लिटरली पूछो तो 6 से 7 बैग्स मतलब 6 से 7 जगह मैं अपने घर का कूड़ा सेग्रीगेट करती हूँ। और मैंने मोबाइल में अपने रिमाइंडर लगा रखा है, क्योंकि एक कैलेंडर होता है आपके स्ट्रीट का, मतलब किस दिन गाड़ी आएगी लेने पेपर को, प्लास्टिक को और आपका जो खाना खाने वाला जो कूड़ा होता है, जो बीओ होता है वो। तो इसलिए मैंने प्रॉपरली अपना टाइमर सेट किया हुआ है। 15-15 दिन पे मेरे यहाँ पे पेपर लेने आती है और 15-15 दिन पे प्लास्टिक लेने आती है। बाकी हर मंडे मैं अपना किचन वाला कूड़ा फेंकती हूँ और रेस्टमूल भी 15 से 20 दिन के कुछ गैप पे आता है। तो अब मैं ये बताती हूँ कि कैसे क्या फेंकना होता है। तो सबसे पहले चीज़ की जो पेपर होता है, पेपर आपको किसी और चीज़ से कंबाइन नहीं करना है। पेपर, दफ्ती, कार्डबोर्ड ये सब अलग से रखे रहिए और जिस दिन भी पेपर आने वाला रहता है उसके एक दिन पहले घर से बाहर निकाल के रखना होता है। इसके अलावा जो एक और चीज़ है, हाँ एक चीज़ ये है कि जब आपको कार्टन फेंकने हो तो ऐसे पाइल अप करके नहीं फेंकना जाता, उसको जैसे दबा के पिचका के अमेज़ोन के जैसे बॉक्सेस हो गए तो उसको स्टैक करके आपको फिर फेंकना है। सो पेपर हो गया। पेपर के बाद प्लास्टिक की बात करते हैं। प्लास्टिक आपको एक येलो कलर का बैग आता है, मुझे मेरे लैंडलॉर्ड ने दिया है, बाकी मुझे नहीं पता आपके घर में प्रोवाइडेड है कि नहीं है, बट आप नॉर्मल बाहर मार्केट से भी लाके प्लास्टिक रख सकते हैं। उसमें सारी प्लास्टिक जाती है और मेटल जाती है। मेटल इन द सेंस कि जो हम कैंड बीन्स वगैरह लाते हैं और स्वीट कॉर्न हो गया, तो उसके अंदर आप वो फेंक सकते हैं। सो नेक्स्ट जो मेरा बैग है वो है उन सारे जार्स का जो कि ग्लास के होते हैं, जैसे जैम हो गया, केचप की बॉटल हो गई। इसको जब खाली हो जाता है तो उसको आपको पानी में से उसको खंगाल के आपको अलग से रखना होता है। और एक कंटेनर होता है, वो कुछ दूर पे होता है, सबके घरों में नहीं होता, तो वहाँ पे जितनी भी बियर बॉटल्स होती हैं, ग्लासेस होते हैं, वो आप फेंक सकते हैं वैसे कंटेनर्स में। वो कंटेनर्स पे भी कलर ग्रेडिंग रहती है, जैसे ग्रीन फॉर ग्रीन बॉटल, वाइट फॉर वाइट ग्लास और ब्लैक और ब्राउन फॉर एक और कंटेनर लास्ट जो रहता है। तो उसमें जाके मैं ये जैम वैम की बॉटल डालती हूँ वाइट वाले में विद लिड। देन बैटरीज आपको किसी के साथ नहीं फेंकना होता है, बैटरीज अलग से रखनी होती है। और जितनी भी सुपरमार्केट होती है वहाँ पे सेक्शंस बने होते हैं, तो जैसे मैं रेवे जाती हूँ शॉपिंग करने, वहाँ पे ही मुझे बैटरी का दिख जाता है तो मैं सारी बैटरीज उसमें डाल देती हूँ। सो अगर अब मैं याद करूँ क्या नेक्स्ट बच रहा है, वो है फांड वाली बॉटल्स। तो कोक हो गया या फिर जूस हो गए, कुछ जूस बॉटल्स ऐसी होती हैं जिस पे फांड होता है, तो उस पर आप 25 सेंट्स एक्स्ट्रा पे करते हो, तो वो मैं अलग से रखती हूँ, क्योंकि जब वो वापस शॉपिंग करने जाती हूँ तो उसको रिटर्न करती हूँ, जो टोकन मिलता है फिर उससे मैं ऐड ऑन करके कुछ और शॉपिंग कर लेती हूँ। बाकी जो आपका किचन का कूड़ा होता है वो बीओ में जाता है। इसके लिए आपको स्पेशल प्लास्टिक में तो नहीं फेंकना होता, बट एक स्पेशल पेपर आता है, वो आपको रेवे में या फिर किसी भी शॉप में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि चाय पत्ती वगैरह थोड़ी गीली होती है तो मैं एक पहले प्लास्टिक में सारा अपने किचन का कूड़ा निकालती हूँ। देन जब इसको बाहर डंप करने जाती हूँ उस प्लास्टिक से मैं उसको डालती हूँ वापस पेपर बैग में और वो पेपर बैग जाता है बाहर मेन। तो और जो गीली वाली पन्नी हो जाती है उसको मैं रेस्टमूल में डाल देती हूँ फिर। और लास्ट चीज़ जो है वो है रेस्टमूल। तो जितना भी टॉयलेट वगैरह का कूड़ा होता है वो रेस्टमूल में जाता है, ब्लैक बॉक्स में जाता है। और जो यूज्ड टूथब्रश होते हैं, इवन जो बर्तन धोने वाला ब्रश होता है जैसे जो हैंडल वाला होता है, तो जब वो पुराने हो जाते हैं ये भी आपको डंप करने हैं रेस्टमूल में, ये प्लास्टिक में नहीं जाते, मे बी क्योंकि वो रिसाइकल नहीं हो पाते होंगे इसलिए। सो रेस्टमूल में जो चिकन की जो हड्डियाँ होती हैं वो भी जाती है, उसको हड्डियों को आपको बीओ में नहीं डालना होता। और ग्लास टूट जाता है घर में, तो आपको ऐसे वो खुला ग्लास नहीं फेंकना है, आपको उसको प्रॉपर पेपर में पैक करना है और पेपर के ऊपर जैसे लिख दीजिए आप कि ग्लास, ताकि जो भी उसको उठा रहा है, जब आप इसको डंप करेंगे जो भी उठा रहा है वो थोड़ा कॉशियस रहे और उनका हाथ वाथ ना कट जाए। सो इस छोटी सी वीडियो में मैंने बेसिक सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ये गाइड में से अगर आपको कुछ और एडिशनल पूछना है कि कूड़ा कैसे फेंके, ये कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।